ब्रह्मा बाबा विष्णु का पाठ बजाएंगे। अभी ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं कि नहीं? कोई शरीर से बजाते हैं कि बिना शरीर के? पहले भी भागीदार था, अभी भी भागीदार है। आधा भाग्य उसका भी बनता है। सेवा में मदद तो करते हैं ना कि नहीं करते हैं? करते हैं। और बाबा भी मुझे ने बोला ना ब्रह्मा की आयु बाकी है। ब्रह्मा वाला 69 तक था ना शरीर के साथ, अभी 67 साल और बचे है ना 36 तक है। वो एक ब्रह्मा के लिए है जो सभी ब्रह्मा के लिए है। सर बोला ना अभी तो आवे तो आने की वो अभी भी काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। हाँ शरीर नहीं है फिर भी। हाँ तो क्या 67 साल वो अव्यक्त काम करेगा? अव्यक्त से ही काम करेंगे 67 साल 2036 तक। हाँ अव्यक्त रूप से ही काम करेंगे। क्यों? विष्णु का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। जब प्रैक्टिकल है तो बिना शरीर के या शरीर के साथ? जरूर शरीर के साथ है। वो शरीर तो दूसरे का है ना? अभी अभी तो बताया, पहले भी भागीदार था, अभी भी भागीदार है। दो आत्माएं हैं, आपस में भागीदार हैं। आधा भाग्य तुम्हारा, आधा भाग्य हमारा। और बाबा साक्षात्कार और आत्मसाक्षात्कार, साक्षात्कार इसमें अंतर क्या होता है? साक्षात्कार और आत्मसाक्षात में अंतर क्या होता है? साक्षात्कार कोई भी चीज का हो सकता है, आत्म साक्षात्कार आत्मा का होता है। आत्मा के अलावा और भी तो दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। क्या आत्मा ही सब कुछ है? तो आत्मा का साक्षात्कार अलग बात, आत्मा के अनेक जन्मों का भी साक्षात्कार हो सकता है, वो भी आत्म साक्षात्कार। लेकिन आत्मा से जुड़ी हुई और भी तो दुनिया में ढेर की ढेर बातें हैं, उनका भी साक्षात्कार हो। तो क्या ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, आत्म साक्षात्कार नहीं हुए क्या? आत्मा आत्मा एक जन्म से कनेक्टेड है या अनेक जन्मों से कनेक्टेड है? तो आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है या सिर्फ एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है? तो उनको अनेक जन्मों का साक्षात्कार हुआ या सिर्फ एक जन्म का साक्षात्कार हुआ? एक जन्म का हुआ। और गाजिया वाली बात सुनाओ। गाजिया वाली बात। गाजिया ब्रह्मा बाबा को चमाट मारी थी ना किसी ने? किसी ने चमाट मारी? उसमें आपको मजा आया?
सुनने में मजा नहीं आया, बार बार याद आ रहा है। ब्रह्मा बड़ा या शिव बाबा बड़ा? शिव बाबा। ब्रह्मा तो को तो किसी ने एक चमट मारी हो, और जो धर्म पिताएं होते हैं उनको एक चमाट लगने से ही धर्म की स्थापना कर देते हैं कि बार बार धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं? बार 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 बार। बच्चों के लिए भी ऐसा ही है, एक बारी चमाट खाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा ब्रह्मा की आयु 157 साल की थी क्या फिर? इस जन्म में आयु 157 साल पूरे। माने आपको ब्रह्मा पीपल के पत्ते पर नया जन्म लेकर के आया, वो दिखाई नहीं पड़ा? प्रैक्टिकल में तो नहीं आया ना। अरे प्रैक्टिकल में ही पीपल के पत्ते पर है। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ या बिना शरीर के? पीपल के पत्ते पर है। तुम्हें प्रवेश है। प्रवेश करेगा तो शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। आत्मा भी परम धाम से आती है तो शरीर चाहिए ना। रवि बोला ना बाबा 42 साल गुलजार दादी में कार्य किया तो और करेगा। गुलजार दादी में जो कार्य किया वो सूक्ष्म शरीर से किया या आत्मा की संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ से किया? सूक्ष्म शरीर से किया। सूक्ष्म शरीर का पुरुषार्थ तो ना हो जाएगा क्योंकि बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की अनुभूति उसमें नहीं है, ही नहीं प्राप्ति नहीं होती। और श्री में देखता तो उसमें क्या जो भाई बहने वो क्या करते काली चिट्ठी में लिख के बाबा के पास देते। तो मैं कहा था जो बात करने बाप प्रत्यक्ष आया हुआ है ना उनके सामने मोक्ष बोलना चाहिए ना। तो चिट्ठी ये तो किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है कैसे मालूम पड़ता है? बाबा ने कहा ये बंदरों की सेना है, बंदरों में भी मेल भी है फीमेल भी है। दुर्योधन तो शासन कौन है? अरे बोलो ना है मेल। तो जो दुर्योधन जो शासन है उनको मौका मिलता है अपना तीर चलाने का, तो मौका देना जरूरी है, है? जरूरी है नहीं जरूरी है, इसलिए कागज में लिख करके दे देते हैं क्योंकि बीसियों बंदरों को मौका मिलेगा तो विविचारी दृष्टि हो जाएगी या अविविचारी दृष्टि रहेगी? विविचारी दृष्टि रहेगी। अच्छा, अच्छा। चुपचाप अपने लिख के दे दिया, किसी ने दिया किस कहां दिया कुछ पता ही नहीं। भाइयों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चिट्ठी में न लिख के दो खड़े होके बता दो। कांग्रेस जी का राज्य अभी
चल रहा है प्रजातंत्र और स्वामी रामदेव हैं, स्वामी रामदेव जी वो भी आर्य समाज है, हाँ? राज्य भी आर्य समाज है, प्रजातंत्र भी आर्य समाज है, हाँ? तो इन दोनों में अंतर क्या है? अब रामदेव के ज्यादा संसर्ग संपर्क में तो आप आए हैं, आप बताइए आपने क्या देखा, वो क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त है, फीस बैंक के पैसे लाए, फीस बैंक के पैसे लाने का वो विदेश में जो पैसा है वो हाँ वापस लाओ ये बोल रहे हो, विदेश का पैसा वापस लाओ। भारतवर्ष में जितनी भी दवाइयों की कंपनियां हैं स्वदेशी से ही, वो दवाइयों की कंपनियों में तालमेल करके देखो, टैली करके देखो, रामदेव की दिव्य फार्मेसी ज्यादा कॉस्टली है या भारत की और जो दूसरी कंपनियां हैं वो ज्यादा कॉस्टली है? ये एक बात क्या बता रही है, कहना आसान है और करना कठिन है। और गंगा को पवित्र बनाओ ये भी बोलता है बाबा, गंगा को पवित्र बनाओ, पानी की गंगा को पवित्र बना लेंगे तो शरीर ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे, आत्मा तो नहीं शुद्ध हो जाएगी। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की गंगा को पवित्र बनाना पड़े, परंतु ज्ञान की गंगा कौन है वो तो पता ही नहीं है। गंगा को शिव की जटाओं में कन्या के रूप में दिखाया जाता है, कवियों की अलंकारिक भाषा होती है, चित्रकारों का अलंकारिक भावना है, गंगा का भी पर्सनिफिकेशन किया हुआ है। माना गंगा भी कोई चैतन्य में थी, चैतन्य में आत्मा है, जब आत्मा पवित्र बनती है तो उसकी जड़ यादगार भी पवित्र बनेगी। आत्मा ही अपवित्र है तो जड़ यादगार भी अपवित्र और तामसी बनी रहेगी। जड़ स्वयं को परिवर्तित करेगा या आत्मा परिवर्तित करेगी? आत्मा स्वयं को परिवर्तित कर सकती है, वो भी पतित आत्मा स्वयं को परिवर्तित नहीं कर सकती। आत्मा का परिवर्तन करने के लिए परमपिता परमात्मा गुरु के रूप में चाहिए। कहते भी हैं गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान को होए विराग बिनु, गावे वेद पुराण। गाते तो हैं मनुष्यों के बनाए हुए वेद पुराण कि ज्ञान के बगैर गति नहीं हो सकती, और गुरु के बगैर भी गति नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा गुरु को सर्वव्यापी बना दिया। तो सर्वव्यापी कैसे सदगति करेगा? सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा सबकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, चलायमान कर देगा कि एकाग्र कर देगा और ही चलायमान हो गई। जो बाप एक व्यापी होकर आता है उसे सर्वव्यापी बना दिया, जब गुरु ही सर्वव्यापी हो गया तो सबकी मत पर चलेंगे या एक की मत पर चलेंगे? हैं? सबकी मत पर चलते चलते सत्यानाश हो गई।
ये तो ठीक है, गुरु बिनु होए कि ज्ञान। तो गुरु एक चाहिए या दो चार और अनेक चाहिए? एक चाहिए। और एक भी सदगुरु चाहिए या असत गुरु चाहिए? एक भी सदगुरु चाहिए। जो सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार, वो एक ही है जो सदैव निराकार रहने वाला है, बाकी तो सब साकारी बन जाते हैं। साकार बनकर के दुनिया के सुख लेना शुरू कर देते हैं और दूसरों को दुख देना भी शुरू कर देते हैं। एक ही सतगुरु है जो सदैव सत्य है। सतयुग में भी सत्य है, त्रेता में भी सत्य है, द्वापर में भी सत्य है, कलयुग में भी सत्य है और संगम में भी सत्य है। सिर्फ फर्क यह है कि संगम में प्रत्यक्ष होता है और युगों में वो सत्य प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ जी बाबा, साल है ना संगम के? हैं? संगम के 100 साल जी। तो उसमें 82 साल तो माया ही हड़प लेती है प्रत्यक्षता तक। 82 साल के बाद माया उड़ जाती है क्या? नहीं, पहला युग प्रत्यक्ष होता है ना लक्ष्मी नारायण। हाँ, उसके लिए उड़ जाती है। हाँ। बाकी के लिए नहीं उड़े। हाँ। तो फिर वो माया ज्यादा संगम पर कैसे राज कर लेती है? वो तो भगवान का युग है ना। हाँ? वो तो भगवान का युग, भगवान का युग इसलिए कहा जाता है कि भगवान प्रत्यक्ष होकर के माया के ऊपर जीत पहना देता है। और युगों में न प्रत्यक्ष होता है न माया पर कोई जीत पहन पाता है। आधा आधा होना चाहिए ना बाबा, 50-50 का आपके लिए? नहीं माना, सभी संगम युग वालों के लिए, बच्चों के लिए, भगवान के। जो 63 जन्मों की परत जमी हुई है, जल्दी जल्दी जिस परत को धर्म पिताएं 2500 वर्ष में नहीं उतार सके और ही परत के ऊपर परत चढ़ती चली गई विकारों की, उसको भगवान आकर के 100 साल में सारी परत दुनिया की उतार देता है। उसका शुक्रिया नहीं करना है, असंतुष्ट रहना है। जल्दी जल्दी परत उतर जाए तो? जल्दी जल्दी क्यों उतर जाए? जल्दी जल्दी आप पुरुषार्थ करिए ना, सब भगवान ही कर दे, सारी भगवान की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। और बाबा, माता पूछ रही है कि राजा ये जब लड़ाई करते हैं ना, हाँ, तो ऐसे वो विदेशी है, वो मतलब जो तंग करते हैं, मारते हैं, दुश्मन बन जाते हैं ना, कोई भी राजा के, तो हाँ? उसको मार क्यों नहीं देते वहाँ की, वहाँ छोड़ क्यों देते हैं जिंदा? किसको? वो दुश्मनों को, भारतवासी छोड़ देते हैं, भारतवासी मारना और जिंदा करना, जन्म देना और मृत्यु पाना, ये ड्रामा के अधीन होना चाहिए, भगवान के अधीन होना चाहिए या हमारे हाथ में होना चाहिए? तो ला हम अपने हाथ में लें या भगवान के ऊपर छोड़ दें? इसलिए हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं,
हम आशावान हैं, हम निराश नहीं होते, हमें उम्मीद रहती है। जैसे भगवान बाप को उम्मीद है, 70-71 साल हो गए, बच्चों के ऊपर अभी भी उम्मीद है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, मार दे सबको, है खत्म कर दे, नहीं 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 उसके लिए नहीं, वो काट देते फटाफट, फिर वो भगवान की मर्जी, क्या वो लोग काट देते हैं, हाँ जो काट देते हैं मार देते हैं, ये जो काट देते हैं जो मार देते हैं वो दयावान है या निष्ठुर है, निष्ठुर है, दया धर्म का मूल है, वो धर्म ही क्या जिसके अंदर दया न हो। अरे 63 जन्मों से हम जानते हैं कि मनुष्य भूलों का पुतला है, देवताओं से भूल नहीं होती है, इस दुनिया में एक भी देवता नहीं है, सब सुबह से शाम तक कोई न कोई मनसा वाचा कर्मणा भूल जरूर करते हैं। तो दूसरे को मार देना तो बड़ा सहज है, अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हमसे कोई भूल तो नहीं होती है, वो ही भूल दूसरा करता है, वो ही भूल हम करते हैं। तो दूसरे को मारने का क्या अधिकार है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये विधाता के हाथ में है, और विधाता वही विधान बनाता है जो हमने कर्म किए है। माना अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, दूसरों पर हम दया करेंगे तो हमको भी जन्म जन्मांतर क्या मिलेगी, दया ही मिलेगी। इसकी क्या गारंटी है कि हमारी आत्मा ने किसी जन्म में कोई भयंकर अपराध नहीं किया है, जरूर किया है। अरे हमने किया है तो हम क्या चाहते हैं, हमको दया की भीख मिले या न मिले, हम भी चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए सुधरने का। और बाबा झांसी की रानी ने कितनी दया की, फिर उसको कहा अंत में क्या हुआ, उसको क्या हुआ, अंत में कोई दया नहीं की उस पर। अरे किसने दया नहीं की, स्वदेशियों ने या विदेशियों ने, विदेशियों ने, किसने दया नहीं की, दुश्मनों ने, अपनों ने भी तो नहीं की ना। अपने कौन होते हैं और पराए कौन होते हैं, कोई अपना नहीं, भगवान अपना कौन है, कोई ये समझ में ही नहीं आता है। और लक्ष्मी की आत्मा गर्भ में है यह संदेश मिला हुआ है, स्थूल गर्भ में है या ज्ञान गर्भ में है, है ज्ञान गर्भ में है, हाँ। और अभी तो वाणी में सुना है ना, काले गोरे एक हो रहे दिल्ली,
दिल्ली में काले और गोरे एक हो रहे हैं। हाँ, विदेशी स्वदेशी। हाँ, ये भी कोई एडवांस का नया पॉइंट होगा ना? अभी तो बारे में पता है, बोले काले और गोरे एक हो रहे हैं। हाँ, तो एडवांस में ये भी शूटिंग, जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो चाहे काले हो, पतित हो या गोरे हो, जन्म जन्मांतर के पवित्र आत्मा हो, दोनों मिलकर के एक नहीं हो रहे हैं। हो रहे एक नहीं होंगे तो नंबरवार विष्णु कैसे बनेंगे? विष्णु बनेंगे तो एक होंगे ना। अर्धनारीश्वर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे। दो के संस्कार मिलकर के एक होंगे तब ही एक गर्भ से जाकर के जन्म लेंगे। भाव स्वभाव संस्कार दृष्टि वृत्ति सब एक जैसी हो जाएगी। तो ये शूटिंग महागौरी और महाकाली पर भी चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? महागौरी और महाकाली दोनों के संस्कार मिलकर के एक होंगे तब महालक्ष्मी बनेगी, या ऐसे ही बन जाएगी? एक होगी तो महालक्ष्मी बनेगी। ये महालक्ष्मी बनने के लिए कितना भारी प्रयत्न चलता है, ड्रामा में नुधा हुआ है। इस धरती माँ पर कितने बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, चैतन्य माँ के ऊपर या जड़ माँ के ऊपर ही? चैतन्य माँ के ऊपर ही भयंकर भयंकर बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, तब सुधार होता है। और किसको? हिमाचल। हाँ, पांच मुक्ति का है, नदी को, नदी को, नंदीश्वर, भीमा शंकर को, पांच मुक्ति का है। वो तो शंकर के विराट रूप में, शिव के विराट रूप में पांच मुख दिखाते ही है। वो पांच मुख कोई दूसरे थोड़े ही है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। चाहे प्रैक्टिकल परिवर्तन के लिए प्रवेश करता हूँ, चाहे वाचा के परिवर्तन के लिए भी प्रवेश करता हूँ, चाहे सत्संग जिसे कहते हैं कानों से सुनना और सुनाना, वो भी तो सत्संग है, उसके लिए प्रवेश करता हूँ। ज्ञान के लिए प्रवेश करता हूँ तो भी मेरा पार्ट। भक्ति का फाउंडेशन पढ़ने के लिए डालने के लिए प्रवेश करता हूँ वो भी मेरा पार्ट। और वैराग लाने के लिए प्रवेश करता हूँ वो भी मेरा पार्ट। हाँ जी बाबा। हाँ, सत्य और असत्य की परिभाषा क्या है? जो सदाकाल के लिए दुखदाई है वो असत्य है, और जो सदाकाल के लिए सुखदाई है वो सत्य है, तो जो सदाकाल के लिए दुखदाई है वो असत्य, वो असत्य है। कभी कभी ऐसे देखने में आता है अल्पकाल के लिए तो सुखदाई है लेकिन रिजल्ट में सदाकाल के लिए दुखदाई है।
तो वो पाप है या पुण्य है? पाप ही है। राजा जब युद्ध करते हैं और मरते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं, ये पक्की बात है कि हिंसक युद्ध राजा है या रानियों ने किए हैं तो हिंसक युद्ध करने वाले राजा रानी स्वर्ग में जाते हैं? नहीं। ये सिर्फ भक्ति मार्ग की झूठी मान्यता है कि वास्तव में जाते हैं? ये झूठी मान्यता है, भक्ति मार्ग में सारा झूठ ही झूठ, सच्चाई कुछ होती नहीं है। झांसी की रानी जब युद्ध कर रही थी तो उनकी सारी सेना मर गई और वो अकेली पीठ पर अपने बच्चे को लेकर के झोपड़ी में जाके जल करके मर गई। है उसको जला डाला। हाँ, तो वो स्वर्ग में जाएगी क्या? ये तो भक्ति मार्ग की मान्यता थी, वास्तव में अपने देह अभिमान को जलाने की बात है या शरीर को मारने की बात है? देह अभिमान को जलाने की बात है। वो जो देह अभिमान था कि मैं अंग्रेजों से छुड़ाऊंगी, मैं झांसी को सदैव स्वतंत्र रखूंगी, वो देवान तो छूटा नहीं। देवान के कारण ही युद्ध करते हैं। द्वापर युग से जो भी राजाओं ने युद्ध किए और राजाइयां हथियार ली, वो हिंसक युद्ध किए या अहिंसक युद्ध किए? हिंसक युद्ध किए। देवांग तो खत्म हुआ नहीं। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसका तो नाम ही है स्वर्ग। स्व ग कहां गया? स्व स्थिति में गया और मारकाट मचा करके शरीर छोड़ दिया। तो देवान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ गया तो स्वर्ग कहां हुआ? ये तो नरक की बुद्धि है, मनुष्यों की अपनी बुद्धि है कि ऐसा करने से स्वर्ग में जाएंगे। मनुष्य जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, जो कुछ बोलता है, उससे नरक ही बनता है। मनुष्य के मुकाबले भगवान जो कुछ करता और कराता है उसे स्वर्ग बनता है। प्रजापिता को 76वें 100 साल पूरे हुए और ब्रह्मा बाबा को
88 89 में 100 साल पूरे हुए, तो बाकी जो ब्रह्मा हैं उनके 100 साल कब पूरे हो हुए? गायन पहले का होता है या बाद वालों का भी होता है? पहले अर्जुन का गायन होता है, पहले युधिष्ठिर का गायन होता है, ऐसे ही पहले नंबर के ब्रह्मा का गायन होता है। दूसरे नंबर में जो 100 साल पूरे बताए गए वो तो शरीर ही नहीं है। शुक्राचार्य असुरों को संजीवनी बूटी से जीवित करते थे, तो वो बूटी कौन सी है? अरे अभी जो ज्ञान में मर जाते हैं, चाहे बेसिक में चलते चलते ज्ञान छोड़ देते हैं, चाहे एडवांस में चलते चलते ज्ञान छोड़ देते हैं, या लक्ष्मण को दिखाया है रामायण में कि उनको मूर्छा आ गई, मृत प्राय हो गए, तो कौन सी बूटी लाई गई? संजीवनी बूटी, संपूर्ण जीवन प्रदान करने वाली बूटी। ऊंची स्टेज से लाई गई या पाताल में से निकाली गई? ये याद की ही ऊंची स्टेज है। याद की ऊंची स्टेज में रह करके किसी को ज्ञान देते हैं, संजीवनी बूटी पिलाते हैं, तो वो जीवित हो जाता है। शुक्राचार्य के पास भी वो ही संजीवनी बूटी थी, दूसरी कोई नहीं है। जरूर शुक्राचार्य ने भी एडवांस ज्ञान लिया होगा या नहीं लिया होगा? लिया होगा। है है। और बाबा फैक्ट्री में प्रवेश करके लिए छोटी बड़े तो होती है क्या? छोटी बात जन धर्म पवित्र आत्मा है ना। है अभी बताया कि फैक्ट्री परिवर्तन के लिए प्रवेश तो होती है। प्रैक्टिकल परिवर्तन के लिए क्या? प्रैक्टिकल परिवर्तन के लिए क्या छोटी प्रवेश तो होती है? प्रवेशता। प्रैक्टिकल परिवर्तन के लिए हाँ शिव की प्रवेशता होती है या नहीं होती है? दुनिया में प्रैक्टिकल स्वर्ग बनाने का काम परमात्मा बाप का है या कोई मनुष्य मात्र का है? परमात्मा बाप का ही है। लेकिन परमात्मा बाप जो प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाता है उसके लिए निमित्त कन्याओं माताओं को बनाता है या पुरुषों को बनाता है? और कन्याओं माताओं में भी कुछ नंबरिंग करेगा, अव्वल नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, या ऐसे ही अजर्रा चलाएगा? नंबरिंग करता है तो किस बात में नंबरिंग करेगा? प्योरिटी की बात में ही नंबरिंग देता है। वो नंबरिंग भी तभी दी जा सकती है जब उन आत्माओं की बुद्धि में बैठे कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना यही पवित्रता है। अगर सन्यासी है तो सच्ची पवित्रता नहीं है। तो जो लक्ष्मी का पार्ट है वो सन्यासी का पार्ट है, या उनके संगी साथियों का जो पार्ट है वो सन्यासी का पार्ट है, या भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल में साकार में साथ रहे पड़े हैं? सन्यासी का पार्ट, सन्यासी का पार्ट है। तो पार्ट में जो निमित्त बनकर के आगे आगे कदम बढ़ाए
हिम्मत करे तो हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बाप ही प्रैक्टिकल परिवर्तन का मददगार बनता है। आत्माएं बनी होती तो 63 जन्म में पहले ही बन गई होती। इसलिए बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे बाल ब्रह्मचारी तो तुम बच्चों की हाँ जीत हो जाएगी। प्रवेश करता है दृष्टि का संग करने वाले पतित होते हैं या पावन होते हैं। भांति भांति के पुरुषों की दृष्टि का संग करने से पतित बनेंगे या भगवान बने बैठे हैं जिनको संग का रंग नहीं लगता है, है? लगता है ना, कुछ तो लगता है कि कुछ नहीं लगता, लगता है। सतयुग में भी दृष्टि का संग हुआ तो कलाएं कम हुई या नहीं हुई? भले एक का ही संग होता है, अनेकों का संग नहीं होता, दृष्टि का विचार भी नहीं होता है तो भी आत्मा नीचे गिरती है। तो यहां कौन उनमें भगवान बैठा हुआ है पहले से। शंकर के पास त्रिशूल और डमरू क्यों दिखाया गया है और शंकर के पास गाय क्यों दिखाई गई? गाय दिखाई गई कि बैल दिखाया गया? बैल क्यों दिखाया गया है? शंकर माना क्या? शंकर माना मिक्स। कौन कौन सी आत्माएं मिक्स हैं? शिव की आत्मा भी प्रवेश करती है, बैल वाली आत्मा भी प्रवेश करती है और राम वाली आत्मा तो है ही। तो तीनों आत्मा एक शरीर में होने से नाम शंकर पड़ता है। ये तीन शूल हैं, शूल माने बाण, तीनों आत्माओं के अपने अपने प्रकार के ज्ञान बाण हैं। वो ज्ञान बाण ब्रह्मा का भी है, शंकर का भी है और बीच में लंबा लंबा खड़ा है। त्रिमूर्ति में बीच में विष्णु लंबा खड़ा है ना, वो भी ज्ञान बाण है। तो ये त्रिशूल है, तीन प्रकार के ज्ञान बाण हैं और उनके पास जो बैल दिखाया गया है वो बैल कौन सी आत्मा की यादगार है? कृष्ण की आत्मा की ही यादगार है। जो शरीर रहते इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है नहीं कर पाती और सूक्ष्म शरीर होने पर वो इंद्रियां और भी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं या कमजोर रहती है और भी ज्यादा तीखी हो जाती है। इसलिए जो तांत्रिक लोग होते हैं बड़े गंदे होते हैं, वो अपने विकारों की भड़ास पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तिशाली आत्माओं को अपने अंदर प्रवेश कराते हैं फिर भोग भोगते हैं। तो इस बात का फाउंडेशन डालने वाला कौन हुआ?
महाभारत में और भागवत में कोनो को हलधर के रूप में दिखाया गया है। विष्णु के ऊपर और नीचे शेष सैया के रूप में दिखाया गया है, पांच सर्प के रूप में। वो हलधर का नाम हलधर क्यों रखा गया है? हल क्या करता है? धरणी को चीरता है, वो बैल का पार्ट है। धरणी को चीरने से विकारी वृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? और ज्यादा बढ़ जाती है। वो मोर की कोई मुलायम पूछ नहीं है, वो तो हल्के माफिक तीखा औजार है, जो शास्त्रकारों की बुद्धि में नहीं आता कि हल भी कोई शस्त्र होता है क्या? अरे दुनिया में किसी ने हल को शस्त्र के रूप में बनाया है प्रैक्टिकल में? नहीं बनाया, एक रूपक दिखाया हुआ है कि ये भी उनका शस्त्र है। जो धरणी को बिगाड़ने वाला है या सुधारने वाला है, और ही ज्यादा बिगाड़ देता है। उसको कहते हैं मक्खन लुढ़काई दिया। खाता कम है और लुढ़काता ज्यादा है। मक्खन लुढ़केगा तो संसार की शक्ति कम होगी, छीण होगी या बढ़ेगी? कम होती चली जाएगी। और त्रिशूल बोला ना, आगे तीन शूल। हाँ। शंकर तो उसमें तो शिव है ना? है? शिव माना शिव। बैलेंस कौन रखना सिखाता है? विष्णु। कोई होता है क्या? नहीं, विष्णु कोई नहीं होता। तो ज्ञान तो शिव का है सारा, ये तीन। सारा ज्ञान शिव का है, लेकिन निमित्त का भी कुछ पार्ट है या नहीं है? वो तीन निमित्त हैं, कांटे हैं, तीन कांटे हैं। तो कांटा नहीं। जो बड़ा कांटा होता है उसे तीर कहा जाता है या भाला कहा जाता है? क्या कहते हैं? भाला। शिवशंकर भोला भाला। तो शिव भाला है या शंकर भाला है? शंकर भाला है। भाला वो स्वयं है या उसके हाथ में भाला है? उसके हाथ में भाला है, उसकी मुट्ठी में है वो। और कहते हैं कि भय बिन होय न प्रीति गुसाई। ये कैसी प्रीति है जो के भय के कारण प्रीति होती है? ये किस समय की बात है? अभी भगवान बाप का प्यार का पाठ चल रहा है, प्यार के सागर का पाठ चल रहा है या भयभीत करने का पाठ चल रहा है? प्यार का पाठ चल रहा है। जब सदगुरु का पाठ चलेगा, धर्मराज का पाठ चलेगा, तब अमृत वेला होगा या नहीं होगा? तब अमृत वेला होगा। और अभी कितना चाहते हैं अमृत वेला करें, करते भी हैं तो भी संतुष्टि नहीं होती।
तो बात सच्ची है या झूठी है? भय बिन होए न प्रीत गुसाई है। हाजी बट्ठी 84 जन्मों का फाउंडेशन है। माना क्या? बट्ठी में नियम बनाया गया। क्या नियम खास है? बट्ठी की तुलना गर्भ से की गई है। जैसे गर्भ में 9 महीने आत्मा पलती है, 9 महीने शरीर अर्थात जीव आत्मा पलती है, शरीर भी पलता है आत्मा भी पलती है, तो 9 महीने चाहिए। ऐसे ही बट्ठी में एक दिन आना तो ज्ञान की ही बातें चलती है, कुछ दूसरा चलता है बुद्धि में, ज्ञान की ही बातें चलती है। और 7 दिन की बट्टी पूरी करके जब वापस लौटते हैं 9वें दिन, तो ज्ञान की ही बातें बुद्धि में मंडराती है या दुनियावी बातें मंडराती है? तो ज्ञान का गर्भ हुआ वो 2 दिन भी, और 7 दिन ऐसे हैं जहां प्रैक्टिकल में बाहर जाने ही नहीं देते। बाहर की दुनिया में अगर भट्टी से निकल करके पांव भी रखा तो भट्टी कैंसिल। अगर भट्टी कैंसिल हो गई तो आत्मा रावण राजी का फाउंडेशन डालने के ज्यादा निमित्त बनेगी या राम राज्य का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनेगी? रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर पहला नाम किसका? है अरे रावण राज्य का फाउंडेशन डालने में पहली आत्मा कौन है? अरे ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का फाउंडेशन डालता है, स्वर्ग का फाउंडेशन डाल, हाँ इब्राहिम, इब्राहिम ऊपर से आने वाला, या जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शरीरधारी आत्मा, या उसे शरीरधारी को जन्म देने वाली आत्मा है? जन्म देने वाली आत्मा, वो फाउंडेशन है। संगम युग में जरूर वो आत्मा बार बार भट्टी करती है और बार 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 बाहर की दुनिया में पांव रख देती है। बाबा ने तो बोला है किसी को लेटर भी न लिखे, पत्र भी न लिखे, फोन से भी कनेक्शन न करने देना है। बाहर की दुनिया में बुद्धि जाए ही नहीं। अगर बाहर की दुनिया में बुद्धि भागती रहती है तो विधर्मियों का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है या सुधर्म का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है? विधर्मियों का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है। तो 84 जन्मों का भी फाउंडेशन पड़ता है। 84 जन्मों में भी 21 जन्म है मुख्य, 21 जन्मों में भी नंबर वार आने वाले हैं। कोई पूरे 21 जन्म का वर्षा लेते हैं भगवान बाप से, कोई अंत में 1 जन्म का राजाई का वर्षा लेते हैं, राजाई भी नहीं राजाई घराने में आने का वर्षा, अर्थात थोड़े समय के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं।
और 21 जन्मों का जो हिसाब किताब बनता है वो 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए भट्टी 84 जन्मों का फाउंडेशन है। इंद्र धनुष कहा जाता है, उसमें 7 रंग दिखाए जाते हैं। राम को भी धनुष दिखाते हैं। फिर इंद्र धनुष क्यों कहा जाता है, राम धनुष क्यों नहीं कहा जाता? राम बाण स्तुति है। राम बाण स्तुति नहीं, बाण की बात नहीं है यहाँ, बात किसकी हो रही है? धनुष की बात हो रही है। ये शरीर रूपी धनुष है, जिस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ ऐसे लचीला पुरुषार्थ किया जाता है कि जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो जाती है। अब राम वाली आत्मा और इंद्र वाली आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? एक ही है। अलग 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 है। स्वर्ग में प्राप्ति हो, स्वर्ग में राजा बनूं, ये इच्छा कौन करता है? ब्रह्मा की इच्छा। और स्वर्ग में प्राप्ति की परवाह नहीं, लेकिन भगवान ने जो ये जन्म दिया है इसमें ऊंची से ऊंची प्राप्ति हो। तो इंद्रधनुष का कनेक्शन कौन सी आत्मा से है? इंद्रधनुष का कनेक्शन ब्रह्मा की आत्मा से है। 7 जो विधर्मी नारायण है विदेशियों से कनेक्टेड, उन 7 नारायणों के रंग अलग अलग होंगे या एक ही रंग होगा? अलग अलग रंग हैं, इसलिए 7 रंग गाए हुए हैं। ये 7 रंग, इनका फाउंडेशन डालने वाला कौन है? ब्रह्मा। कौन इनकी परवरिश करता है? ब्रह्मा की सोल परवरिश करती है। ब्रह्मा की गोद में ही ये 7 रंग पलते हैं। इसलिए इंद्रधनुष कहा जाता है। जब बरसात पूरी होती है, कौन सी बरसात? ज्ञान बरसात का टाइम, बरसात का मौसम पूरा होता है तो क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। बरसात के टाइम पर दिखाई नहीं देता है, अंत में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष अलग बात है, और इंद्रधनुष जो है उस धनुष को राम ने नहीं तोड़ा। कौन सा धनुष तोड़ा है? शिव का धनुष तोड़ा। माने शिव ने ब्रह्मा के जिस शरीर रूपी रथ में 68 तक प्रवेश किया, उस शरीर रूपी रथ के द्वारा जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दिया। उस पुरुषार्थ से भी आगे बढ़ करके काम करके दिखाया। इसलिए राम के द्वारा दिखाते हैं कि दधीच ऋषि की हड्डियों का बना हुआ धनुष तोड़ दिया। दधीच हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किसने की? ब्रह्मा। हड्डी हड्डी स्वाहा की, मास मास स्वाहा नहीं किया, खून स्वाहा नहीं किया, किया फिर हड्डी का ही नाम क्यों लिया? अरे हड्डी हड्डी स्वाहा की, इसका मतलब क्या हुआ?
सात नारायण पांच नारायण ये हड्डी है क्या? सात नारायण और पांच नारायण हड्डी पुरुषार्थ किया क्या? नहीं दिया ना? नहीं, दुनिया में देखा जाता है विवाह के बाद जो पुरुष जास्ती विकारी होते हैं उनकी हड्डियां सूख करके पतले काटिया बन जाते हैं या पहलवान देखने में आते हैं। क्या स्वाहा किया है? नहीं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या पावरफुल होती हैं? कमजोर हो जाती है। ये पुरुषों की जो शक्ति है असली, जिसे वीर्य कहा जाता है, वो हड्डी को मजबूत बनाने वाली चीज है। ब्रह्मा बाबा की गोद में बच्चे और बच्चियां जाते थे या नहीं जाते थे? जब उनकी गोद में जाते थे तो वो इंद्रिय जीत थे, इंद्रियों पर जीत पाई हुई थी या नहीं पाई हुई थी? नहीं पाई हुई थी। पुरुषों की आदत होती है, कुमार ज्यादा जानते होंगे, कि फीमेल के संसर्ग संपर्क में आने से ही छीण हो जाते हैं, छूने से ही छीण हो जाते हैं, देखने से ही उनको स्वप्न दोष हो जाते हैं, दिन में भी दोष हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा तो गोद में लेते थे, तो गोद में लेने के बाद स्त्री शरीर के संसर्ग संपर्क में आने के बाद अंदरूनी क्या हाल होता होगा? इंद्रिय जीत थे क्या? नहीं, नहीं थे। शक्ति छीण हो जाती थी, अंदर ही अंदर हड्डियां गलती रही, इसलिए दुबले होते हैं। नहीं, शुगर की बीमारी हुई, और वो अंत तक चलती रही। ऐसे नहीं कि इलाज नहीं होता था, इलाज भी होता था। इसलिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसकी परवाह नहीं की कि हड्डियां गल रही हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते रहे। कन्याओं माताओं के संसर्ग संपर्क में आने से घृणा की या घृणा को दूर रखा? सन्यासियों की तरह भाग खड़े हुए या प्रवृत्ति मार्ग में चंद्रवंशियों की तरह पक्के रहे? हैं? पक्के रहे। सूर्यवंशी पुरुषार्थ भले नहीं है, लेकिन चंद्रवंशी प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ फिर भी पक्का रहा। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। सत्ययुग में अर्जुन का नाम बड़ा होता है? सत्ययुग में अर्जुन होता है क्या? तो संगम युग में ब्रह्मा बाबा का पार्ट कम क्यों होता है? अरे, ब्रह्मा बाबा का पार्ट अर्जुन से भी बड़े भाई का है या छोटे भाई का है? कम है या ज्यादा है? वो तो और ही बड़ा भाई है। युद्ध में अंत तक स्थिर रहने वाला। शरीर की बात है या आत्मा की बात है? आत्मा की बात है। वो आदि में भी आत्मा स्थिर थी, अभी भी युद्ध में स्थिर है, इसलिए उसी का नाम, उसी का पुरुषार्थ युद्ध स्थिर है। वो तो अर्जुन से भी बड़ा पार्ट हो गया।
जब सतो प्रधान अवस्था होती है तो बाबा के प्रति सरेंडर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, अनेकों के संग के रंग में आकर तो बाप को धोखा दे देते हैं। तो बाबा सतो तमो प्रधान अवस्था तो संगम में सबकी होती है, किसी की पहले होती है और किसी की बाद में होती है। तो अभी पुरुषार्थ करते वक्त कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जो तमो प्रधान अवस्था आने पर ज्यादा घाटा न हो जाए। ज्यादा घाटा और कम घाटा कैसे पता चलेगा? नहीं, अभी भाग गया तो ज्यादा घाटा और बाद में भागा तो कम घाटा। जितना अंत तक बाप का सहयोगी रहेगा तो घाटा कम, और जितना पहले धोखा दे करके भागेगा तो घाटा ज्यादा। तो क्या करना चाहिए है? माया से अंत तक लड़ाई लड़ना ही है। क्या उस युद्ध में भी क्या समझते हैं? मरते मरते लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए वो अच्छा या भाग जाए वो अच्छा? तो जो बीच में भाग जाते हैं वो फिर अब्बल लंबर स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनेंगे। दोयम टाइम 21 जन्म है, पता नहीं कहां के अधिकारी बने जाके। इसलिए अंत तक युद्ध करना ही है और भागना ही नहीं तो भी। बहुत अच्छी बात। हमको तो लक्ष्य दिया हुआ है, क्या बनना है? नारायण बनना है। नारायण भागता है क्या? नारायण भागता होगा क्या? नहीं, नहीं? तो नारायण बनना तो अच्छी बात है ना।